इस वीडियो में देखिए पैरों से आलू कचरता दिखा रेस्टोरेंट कर्मचारी। वीडियो देख समोसा खाने में हाथ कांपेंगे आपके। बड़े से भगौने में आलू भरे हैं, यही आलू समोसे में भी भरे जाएंगे और बाकी डिशेज में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। रेस्टोरेंट का कर्मचारी पैरों से इन आलुओं को रगड़ रगड़ कर धुल रहा है, साथ साथ पैर भी धुल रहा है और उन्हीं पैरों से आलू है, मतलब सब कुछ मिक्स। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर हो सकता है कि कुछ लोग कसम खा ले कि अब रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाएंगे। हमने भी जब ये वीडियो देखा तो मन घिना आ गया। ये वीडियो 11 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला मध्य प्रदेश के सतना का है। यहाँ दीपांशी चौपाटी नाम से एक रेस्टोरेंट चलता है, इसी में एक कर्मचारी यह कांड करता हुआ दिखा। वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आ गया। खाद्य एवं औषधि विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभिषेक बिहारी गौड़ और शीतल सिंह दीपांशी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंच गए। यहाँ गेहूं के आटे और मैदे की सैंपलिंग की गई। अभिषेक बिहारी गौड़ ने बताया, सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा था, इसे देखते हुए हमारे अधिकारियों ने यहाँ आने के लिए हमें निर्देशित किया था। हम लोगों ने जांच की। रेस्टोरेंट संचालक के मुताबिक ये वीडियो बहुत पुराना है, लेकिन जांच की गई तो जांच में जो चीजें सामने आएगी उन्हें हम अफसरों के सामने रखेंगे। हमारे एक्ट में जो शर्तें हैं, देखा जाएगा कि उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। अगर उन नियमों का पालन नहीं हो रहा होगा तो उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। वहीं रेस्टोरेंट संचालक अवधेश सिवहरे ने कहा कि ये वीडियो बहुत पुराना है। उन्होंने कहा, त्योहार का वक्त था, उस वक्त हमने बाहर से लड़के बुलाए थे। काम ज्यादा होने की वजह से लड़कों को बाहर से बुलाना पड़ता है। ये लड़के बहुत कम दिन, जैसे कि 4 दिन, 6 दिन या 1 हफ्ते के लिए आते हैं। काम में आते वक्त ये सब यही कहते हैं कि हमें सब आता है। 2 लड़के आए थे, इनमें से एक हेल्पर था। इसमें बोला गया था कि जाओ आलू धुल कर लाओ। मेरा ओपन कारखाना है, रोड से सब कुछ दिखता है, मेरी काफी पुरानी दुकान है, उसने कहा। मुझे जैसे ही इस बात का पता चला, मैंने तुरंत उस लड़के को भगा दिया। ये वीडियो 4 से 5 महीने पुराना है। वीडियो पुराना हो चाहे नया, लेकिन आलू तो पैर से ही धो रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार।